राजधानी दिल्ली में आप नेता दुर्गेश पाठक ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी की एमसीडी डेढ़ साल से बच्चों के राशन की चोरी कर रही है। कहा कि बीजेपी की एमसीडी ने ऑर्डर निकाला है कि वो उन बच्चों को राशन नहीं देगी जो ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहे। पिछले एक डेढ़ साल से इन्होंने बच्चों का राशन रोका हुआ है और जब बांटने को तैयार हुए तो इन्होंने ऐसी शर्त जोड़ दी। दुर्गेश पाठक ने कहा कि शायद वो भूल गए हैं कि दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे ही एमसीडी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 3 लाख बच्चे एमसीडी के स्कूलों में पढ़ते हैं। इनमें से 40 से 50% बच्चे ऑनलाइन क्लास नहीं ले पा रहे क्योंकि इन बच्चों के पास ना तो स्मार्टफोन है और ना ही इंटरनेट की व्यवस्था है। तो पिछले डेढ़ साल से ये इन्होंने बच्चों का राशन रोक के रखा। आप सोचिए कि एमसीडी के अंदर बहुत गरीब बच्चे पढ़ते हैं, उनके भी मिड डे मील की चोरी करना तो बहुत बड़ा पाप है, लेकिन उसमें भी ये डेढ़ साल से लगे रहे किसी तरह से मैनेज करके, किसी तरह से करप्शन कर ले। लेकिन आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मनीष सिसोदिया जी ने जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री है उन्होंने बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब जाके इन्होंने ये बांटने का ऑर्डर तो निकाला। लेकिन इस ऑर्डर में भी एक बड़ी खामी है। ये ऑर्डर ये कहता है, पहली चीज तो आपको ये समझ लीजिए कि एमसीडी के अंदर जो दिल्ली के सबसे गरीब तबका होता है, झुग्गी का तबका होता है, अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर रहने वाला बच्चा, वो जाता है एमसीडी के स्कूलों के अंदर। इन्होंने इस रूल एक निकाला, इसमें एक चीज ये कहा कि उन बच्चों को राशन नहीं देंगे जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले रहे हैं। तो लगभग 3 लाख बच्चे पढ़ते हैं नॉर्थ एमसीडी के स्कूलों में और रिपोर्ट ये कहती है कि लगभग 50% बच्चे ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पाते बिकॉज उनके फादर और मदर फादर इतने पुअर हैं कि उनके पास एंड्रॉयड फोन नहीं है, उनके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है, उनके पास इंटरनेट नहीं है कि वो ऑनलाइन क्लासेस ले जाए। आप नेता दुर्गेश पाठक ने इस शर्त को हटाकर सभी बच्चों में राशन बांटने की मांग की है। दुर्गेश पाठक ने कहा कि बीजेपी और आदेश गुप्ता से विनती करता हूं कि ये नियम हटा दिया जाए और बिना किसी शर्त के सभी बच्चों को राशन बांटे।